प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर की बिहार के मतदाताओं से कोविड-19 से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर नया रिकॉर्ड बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संन्यास वाले बयान पर साधा निशाना, जिनका चुनाव आखिरी है उनको वोट क्यों दे जनता। उन्होंने बोला कि अब उनका आखिरी चुनाव है। हम ये कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि हम शुरू दिन से एक ही बात कहते रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। जमुई के झाझा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध बालू तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से दो बालू से लदे ट्रैक्टर को किया जब्त। मौके से फरार हुए आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर किया अपने मत का प्रयोग। मतदान केंद्र पर कोरोना से बचने को लेकर रखा गया खासा ध्यान। जमुई जिले के जेपी सेनानी आंदोलन के नेता लक्ष्मण झा ने बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के वाई श्रेणी के सुरक्षा बलों को हटा देने को लेकर सरकार पर किया हमला, कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का यह गलत फैसला। जमुई जिला के श्री नरेंद्र सिंह जो 74 आंदोलन जेपी आंदोलन के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के कृषि मंत्री कई वर्षों तक रहे, और जमुई जिला चूँकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पूरे जिला में उनको क्षेत्रीय भ्रमण करना पड़ता है गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए, इसलिए उनको सरकार के तरफ से वाई श्रेणी का सुरक्षा गार्ड मिला हुआ था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार उनके सुरक्षा गार्ड को वापस ले लिया है। दरभंगा जिले में तीसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों ने वोट देने से किया इनकार, कहा सरकार ने यहाँ की जनता को नहीं दी कोई मूलभूत सुविधाएं। हम सब मतदान यह चलते नहीं देते हैं कि हम लोग तो हाई स्कूल जो है से बहुत दिन से बना हुआ है लेकिन रद्दी, उसमें विद्यार्थी नहीं जाता है पढ़ने के लिए। मेरा बच्चा सब जाता है पढ़ने के लिए तो बोलता है उसमें से सांप निकलता है, कीड़ा निकलता है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान, मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर जाकर किया मतदान। दरभंगा शहरी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। मतदान के वक्त से पहले ही बूथ पर लगी मतदाताओं की भीड़। जमुई जिले के झाझा प्रखंड के कावर ग्राम में बलियाडीह और कांवर के बीच हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राकेश सिंह ने किया फाइनल मैच का उद्घाटन।